आजकल ना जाने कितने कपल्स ऐसे हैं जो कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिस कारण उन्हें लाख कोशिशें करने के बाद भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। वो कंसीव करने में असमर्थ हैं। हालांकि ऐसे कई सारे घरेलू और आसान नुस्खे मौजूद हैं जो कि आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से आपको निजात दिला के कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा मददगार हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको बताऊंगी एक ऐसी ही आसान और घरेलू टिप जिसको आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से फॉलो कर पाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहें। मैं अक्सर कर आपको अपनी वीडियोस में एक ऐसी ही अमेजिंग टिप्स बताती रहती हूँ जो कि आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं और जिसमें आपको किसी को भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आपको किसी को भी पे नहीं करना है, आपको उसको खुद से अपनाना है। आपके किचन में ही वो सामग्री अवेलेबल होगी जो मैं चीज़ें आपको बताती हूँ, वो इजीली आपको आपकी ही रसोई में मिल जाएंगी। तो ऐसी ही एक अमेजिंग टिप्स मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। सो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को 10 सेकेंड के लिए भी स्किप ना करें। सो प्लीज़ आप अंत तक ज़रूर से बने रहें। टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये सबकी रसोई में बहुत ही इजीली मिल जाएगी और सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो दिन में हम खाते तो बहुत कुछ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सुबह से लेके शाम तक ज़रूर से खाते हैं, लेकिन अगर सही चीज़ को सही तरीके से खाया जाए, अगर उसका आपको लाभ लेना है, आपको उसके बेनिफिट्स लेने हैं, तो अगर सही चीज़ को सही तरीके से खाया जाए तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो सकती हैं। हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से घर बैठे ही छुटकारा पा सकते हैं। हमारी जो टर्मरिक होती है, हल्दी होती है, उसमें करक्यूमिन पाया जाता है जो कि पेल्विक के हिस्से के अंग जो होते हैं, जैसे ओवरी, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, हमारी सर्विक्स, इनमें कई बार हमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। थायराइड, रसौली या PCOD बनने की स्थिति में इन अंगों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ऐसी स्थिति में एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों वाली हल्दी का अगर हम रेगुलर सेवन करते हैं, नियमित रूप से इसको हम प्रयोग में लाते हैं, तो इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म किया जा सकता है। हम अपने बॉडी से इन सभी प्रॉब्लम्स को डिलीट कर सकते हैं। कई बार फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की स्थिति में, पीरियड्स इरेगुलर होने की स्थिति में, या फिर यूट्रस के साइज के नॉर्मल ना होने की स्थिति में काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। ओवरी का साइज छोटा है, ओवरी का साइज बड़ा है, ओवरी नॉर्मल नहीं है, यूट्रस नॉर्मल नहीं है। फाइनली आपको फर्टिलिटी रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में हल्दी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एंड मेल में स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड मोर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करने में जो हमारी टर्मरिक होती है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप इसका नियमित तरीके से अगर सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि हल्दी का सही तरीके से लाभ लेने के लिए हमको इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाना है। तो सबसे पहले नंबर पर हम आपको बता दें, आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं, और अगर इसके अलावा आप पानी के साथ नहीं लेना चाहते हैं तो आप दूध के साथ में भी ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता दें कि आपको इसको पानी के साथ में कैसे लेना है। तो पानी के साथ में लेने के लिए आपको 1 कप गुनगुना पानी लेना है, आपको नॉर्मल पानी लेना है और उसको हल्का सा गुनगुना कर लेना है। उसमें 1/4 टेबल स्पून आपको टर्मरिक का पाउडर डालना है, यानी कि 1/4 चम्मच आपको उसमें हल्दी पाउडर डालना है, और उसमें 1 चुटकी आपको ब्लैक पीपर यानी कि काली मिर्च का डालना है। और इस ड्रिंक को आपको खाली पेट नियमित तरीके से सेवन करना है। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर वहीं आप पानी के साथ नहीं लेना चाहते हैं, आप दूध के साथ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको वही सेम प्रोसेस करना है। आपको 1 कप गुनगुने दूध में 1/4 टेबल स्पून यानी कि 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी आपको ब्लैक पीपर यानी कि काली मिर्च डालना है। और इस ड्रिंक को भी आपको नियमित तरीके से सेवन करना है, और चाहे तो आप इसमें 1 चुटकी दालचीनी का भी पाउडर डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तब तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ड्रिंक बनता है। अगर आप इसका नियमित तरीके से सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि हम आपको नोटिस करा दें, आपको प्योर टर्मरिक का ही यूज़ करना है, अदरवाइज आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप बहुत ही ज़्यादा इनफर्टिलिटी से ग्रसित है,
है, तो फिर आप इस नुस्खे के साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी ज़रूर लें। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का भी सहारा लेना है, और ऐसा नहीं कि अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप इसको स्किप कर दें। आपको हल्दी का सेवन स्किप नहीं करना है। आप मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में आप टर्मरिक का रेगुलर सेवन जारी रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी गर्भधारण कर पाएंगे। आई होप की जानकारी पसंद आई होगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं हम आपको एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।